कैप्टन सरकार ने सूबे की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए फिजूल खर्ची पर चलाई और कैंची। कोई भी विभाग अब किराए पर नहीं लेगा गेस्ट हाउस, ट्रांजिट कैंप और रेस्ट हाउस। 30 जून से पहले लागू होगा आदेश। सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चंडीगढ़ में आज अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में नॉर्दर्न रीजन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, संबंधित विभागों के मंत्री और मुख्य सचिवों के साथ करेंगे चर्चा। डायरेक्ट विद दिनेश में बोले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़। पंजाब छोड़कर भाग रहे हैं नशे के तस्कर, मीडिया को भी आजाद करवाने का दिया भरोसा। आज शाम 7 बजे डायरेक्ट विद दिनेश में सुनील जाखड़ के साथ देखिए पूरी बातचीत। ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक जारी। 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि मौजूद। आयोग देगा ईवीएम का डेमो। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सुबह 7 बजे हुई फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया माकूल जवाब। शहीद लेफ्टिनेंट उमर व्यास के 6 हथियारों की पहचान। पुलिस ने जारी की हथियारों की तस्वीर। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने शोपिया में की थी हत्या। हिमाचल प्रदेश सरकार में आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री कर्ण सिंह का निधन। कैंसर की बीमारी के चलते लंबे वक्त से दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। रात 2:15 पर हुआ निधन।